किसान भाई आप देख पा रहे हैं लाइव ये सरसों कितना अधिक मात्रा के अंदर निकाल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए कि अपने जो भी मजदूर लेबर काम करने वाली है वो कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर सरसों दे रही है। ट्यूनिंग सिस्टम के साथ आता है, यहाँ पर आपका भूसा स्टॉक हो जाएगा। किसान भाई जैसे कि आप लाइव देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ लीवर की सहायता से दोनों तरफ आपको पंप मिलेंगे हाइड्रोलिक वाले, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ इसे ऊपर कर सकते हो, वापस नीचे कर सकते हो। सर ने जो जिस रेट में लिया है उसी रेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बलकार का हार्वेस्टर जो कि किसान भाई ने बनवाया, इस हार्वेस्टर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि इसका एवरेज क्या है, कि कितने का पड़ेगा, कौन कौन सी फसल निकालता है, क्या ये मल्टीपर्पज़ है, क्या अलग सीजन के अंदर अलग काम में ले सकते हैं, ट्रैक्टर को भी काम में ले सकते हैं, अनाज भी आपका स्टॉक हो जाएगा, भूसा स्टॉक हो जाएगा, अनाज भी स्टॉक हो जाएगा, किस प्रकार चलता है, कितना मेंटेनेंस आता है, आप इसे कितना कमा सकते हो दिन में, यानी संपूर्ण जानकारी हम किसान भाई के साथ सीधा खेत से लाइव। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो किसान भाई के लिए एक लाइक तो बनता है, और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर सबसे पहले अपना किसान भाइयों को परिचय दीजिए, नाम बताइए। सर पहले तो किसान भाइयों को सबको राम राम, और मेरा नाम मनराज है धाकड़ है, और हमने अभी ये ली है एक महीने पहले। आपका गांव का नाम कौन सा है? हम टोंक में टोडा राइजिंग राम सिंहपुरा के हैं। तो आपने ये हार्वेस्टर कहाँ से ली? ये पंजाब से ली थी। पंजाब से ली थी, तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी आप ये बताइए कि आपने ये पहले कहाँ देखी थी, किस प्रकार आपको ये लगा कि हमें भी ये लानी चाहिए? सर पहले यहाँ आई थी एक मशीन, उसके देखा था हमने कि उन्होंने अच्छा कार्य किया था, फिर उसी की डिमांड के अनुसार हमने मूंगों की बुआई होती है उसके हिसाब से लाई थी। तो अगर इसकी ओवरऑल इसके बात करें तो इसके सिस्टम के बारे में, तो जैसा कि आप ये हम इसे हार्वेस्टर जो बोलते हैं इसे डोली बोल सकते हैं कि इसके अंदर अपनी फसल डालते हैं, तो इसकी कैपेसिटी कितनी अंदर खींचने की? सर वैसे वो नॉर्मल मशीनें खींचती है वैसे ही खींचती है, तो उनसे ज्यादा होगी कैपेसिटी? हाँ, थोड़ी बहुत ज्यादा है, वो जैसे 60 बोरी निकाल दिए, ये 90 बोरी 100 बोरी आराम से निकाल देती है, दिन की 100 बोरी निकाल देती है, आराम से निकाल देती है। तो फिर एक किसान भाई अच्छी कमाई भी कर लेता है? एक किसान भाई अच्छी कमाई कर लेता है, 200 रुपए बोरी के हिसाब से 20,000 रुपए पड़ जाते हैं। 20,000 रुपए, आपने 20,000 के खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा आप देख लो, डीजल देख लो आप, प्रति बोरी 700-800 ग्राम, 700-800 ग्राम, यानी 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, खर्चा दिन का 10-12 हज़ार। और इसमें कोई, सबसे पहले ये भी जानकर, कोई मेंटेनेंस है? सर कोई मेंटेनेंस नहीं है अभी तो। आपने कितने दिन हुए लिए हुए? 1-1.5 महीना हो गया सर। 1-1.5 महीना, तो आप वहीं जाकर पूरी फिटिंग करवाई थी ट्रैक्टर की या यहाँ पर करवाई थी? नहीं सर, ट्रैक्टर यहीं से लिया था टोडा राइजिंग से, और फिर पंजाब गए थे ट्रैक्टर। एवरेज की बात करें तो एक घंटे में कितना एवरेज रहता है? सर ये 15 बोरी के आसपास निकाल देती है। और फसल कौन कौन सी निकाल देती है? ये सभी फसल निकाल देती है, जैसे अपनी सरसों है, मूंग है, उड़द है, गेहूं है, सब। और खड़ी फसल की कटाई करना चाहता है तो कोई? खड़े के अंदर ये दूसरा बुकेट लगेगा और फिर खड़ी से निकाल देगा, यानी मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं सारा खड़ी भी इसे कटर। अगर कटर बार की साइज की बात करें तो 8 फीट तो होगा सर, इससे बड़ा है थोड़ा सा, 9 फीट के लंबे। और ये ऑपरेट किस तरह होता है वो भी जानकारी दे सर। वो तो ऊपर से ही होगा। हाँ, तो वो ऊपर से किसान भाई को ऑपरेट के बारे में सब ऊपर से दिखा देंगे। जैसे इसके पीछे की तरफ आते तो इससे इसके अंदर पट्टा वाला सिस्टम है या चेन वाला सिस्टम है? सर इसमें पट्टा लगा हुआ है, फिर इसमें कटोरियां लगी हुई है जो माल को ऊपर लेकर जाता है। अनाज का जो स्टॉक है वो कितने क्विंटल का है? सर वो 9 क्विंटल का है। वो 9 क्विंटल का है। और ये कंप्रेसर से हवा का भी कुछ टायरों वगैरह में एरेटर वेटर के सबके हवाले देने के लिए, यानी कहीं खेत पे कहीं भी कुछ हो जाए तो किसान भाई का काम रुकेगा नहीं। तो इसमें जाल चालने कुछ बदलने की आवश्यकता पड़ती है या फिर उसी? हाँ सर, जैसे फसल के अनुसार बदलना, सरसों का अलग है, गेहूं का अलग है। वो तो चालने इसके किस प्रकार बदल सकते हैं किसान भाई? सर जैसे इसको ऊपर करेंगे तो फिर पीछे से चालने वो भी हम किसान भाई को करके दिखाएंगे। अभी अगर इसके भूसे के कैपेसिटी की बात करें तो कितना स्टॉक हो जाता है इसके अंदर? सर जैसे 20-30 पोट हो जाती है। 20-30 यानी क्विंटल? 20-30 क्विंटल। हाँ सर, यानी 20 क्विंटल मान ली इसका एवरेज, यानी ये 1.5-2 बीघा का स्टॉक आराम से कर देगा। ये इससे ओपन होकर ये पीछे लोडिंग टाइप में डंपर हो जाएगा सर। और कुछ जैसे कि कभी दिक्कत आती है ट्रैक्टर पे लोड बढ़ने जैसे, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है? सर कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे तो, ट्रैक्टर पे लोड वोड बिल्कुल नहीं पड़ता? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है वैसे, नॉर्मल ट्रेसरों की चलती है इस। और ये यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप अपनी ग्रीस कैन पानी थोड़ी आपकी आवश्यकता है वो यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे इसके अगली तरफ आते हैं
तो जैसे कि आपको यहाँ पर सीढ़ी दी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि आप इस मशीन को ऑपरेट करते हो, आप चला रहे हो पिछले कुछ महीनों से, तो ये किस प्रकार ऑपरेट होती है? और सबसे पहले ये जानकारी दे कि ये नया किसान है जो पहली बार इस मशीन को लेना चाहता है, वो क्या इसे चलाना सीख जाएगा बहुत ही आसानी के साथ? आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी? नहीं आएगी। ये भी बताइए किस प्रकार ये ऑपरेट होती है? ऑपरेट तो देखो स्टार्टिंग में देखो अपन जो पीटी जो अपन से चलाते हैं वो पीटो वाला स्टेट वाला सिस्टम वो तो चल रही है। ये जैसे क्लच है पीटीओ क्लच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है चल्लू कराने के लिए मशीन जो पीटीओ चलता है। उसके बाद में एक ये लीवर होता है, ये किस काम में आएगा? ये लीवर आगे वाला डाली से अपन जो धान अंदर लेते हैं ना उसके लिए काम आता है ये वाला, उसको चालू करना है बंद करना है। बंद करने का सिस्टम ये इससे होता है। और ये ये अपन ट्रैक्टर का गियर है, अपने ट्रैक्टर के नॉर्मल। और वो लीवर, ये लीवर एक ये लीवर आता है इसको ऊपर नीचे अगले वाले डले को ऊपर नीचे करने के लिए। अच्छा, उसके लिए। और पीछे वाले भूसे वाले को खाली करने के लिए ये अलग लीवर दे रखा है इसका। यानी इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत। और एवरेज जिसे कितनी रेंज पे चलता है ये ट्रैक्टर? 1500 आरपीएम पर ये ट्रैक्टर आराम से चलता है, कोई लोड वोड नहीं पड़ता है? कोई लोड नहीं चलता। और चलाने में आसानी रहती है या फिर कोई नहीं, दिक्कत आसानी, कोई दिक्कत नहीं आती है? जैसे हम ट्रैक्टर नॉर्मल यूज करते हैं किसान भाई उसी तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखिए कि आप ये भी जानकारी दीजिए कि नीचे से कट के ऊपर आएगा माल इतना ऊंचा स्ट्रोक होगा तो दाने फूटने जैसी समस्या आती है? नहीं आती बिल्कुल। भूसे में दाना वाना जाता है? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है। कोई से भी फसल निकालो, जैसे अपन हार्वेस्टर चलाते हैं ना नॉर्मल, अपन घर पे नॉर्मल हर घर में मिल जाएगी हार्वेस्टर आपको, सेम वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसान भाई आराम से ऑपरेट करना आराम से सीख जाएंगे। आराम से सीख जाएंगे। तो ट्रैक्टर को जैसे कि अभी सीजन खत्म हो जाएगा एक डेढ़ महीने में, फिर वो चाहता है कि मैं तो खेती का काम करना चाहता हूँ ट्रैक्टर से, तो वो कर कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो मिस्त्री के पास ही जाकर उतराना पड़ेगा? नहीं, आप चाहो घर पे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रो के बिना नहीं उतरेगा नीचे। हाइड्रो तो चाहिए, क्रेन चाहिए उनको उतारने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से वापस फिट कर सकते हैं? आराम से फिट कर सकते हैं। यानी किसान भाई इसे आराम से लेकर एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते कर सकते हैं आराम से, किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं आता। नहीं आता। कितने आदमी की जरूरत पड़ती है निकालते समय? इसमें निकालने में नॉर्मल कम से कम 7-8 बंदे चाहिए नॉर्मल। इतनी स्पीड से माल अंदर लेता है, 9-10 बंदे चाहिए? 8-9 बंदे नॉर्मल चाहिए। इसमें कितनी बोरी निकाल देता है? 100 बोरी के लगभग 100 के ऊपर निकाल देती है, 100 के ऊपर ही निकाल देता है। और बहुत आसानी, भूसे में दाना तो बिल्कुल ही नहीं जाता, नहीं जाता बिल्कुल भी। किसान भाई अब आपको पीछे जो भूसा का टैंक है उसे ऊपर करके दिखाते हैं कि किस प्रकार होता है। तो सर आप एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट करके हल्का सा ऊपर लो भूसे वाले को। देखिए किसान भाई जैसे कि आप लाइव देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ लीवर की सहायता से दोनों तरफ आपको पंप मिलेंगे हाइड्रोलिक वाले, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ इसे ऊपर कर सकते हो, वापिस नीचे कर सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार इसे चला सकते हो। और जाल बदलने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप अपने जाल चालने बदल सकते हो। इसके जैसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ ऊपर आपको गियर बॉक्स मिलता है, और जैसे आप अलग अलग सिस्टम अलग अलग पुलियाँ हैं क्योंकि ये नया प्रकार का नई टेक्नोलॉजी वाला हार्वेस्टर है, यहाँ भी अलग ही सिस्टम मिलता है चालने की चाल वाल गति करने के लिए। और जैसे आप ये बॉक्स देख पा रहे हो, ये बॉक्स खुलकर यहाँ पर जाल चेंज होता है। अब इसके रेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि इसकी क्या रेट रही है जब सर ने ये खरीदा, और अभी का रेट क्या है वो तो हमें भी नहीं पता। सर ने जो जिस रेट में लिया है उसी रेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो केवल हार्वेस्टर का रेट बताइए कंपनी का। सर लगभग ये 15 लाख के पड़ेगा, अभी तो हमने लिया था तब 1480 का था। 1480 हज़ार का आपने लिया तब, 10-20 हज़ार रुपये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अगर इसके ट्रैक्टर के रेट की बात करें तो 9,15,000 में ट्रैक्टर लिया था हमने। 9,15,000 में ट्रैक्टर लिया था, 14,80,000 का हार्वेस्टर और 9,15,000 का आपने ट्रैक्टर लिया था, यानी लमसम ये 25 लाख के ऊपर जा रहा है। हाँ 25 लाख का पड़ेगा, लगभग 25 लाख का पड़ेगा। और इसके कुछ फाइनेंस किया था आपने, एक केस लिया था? नहीं सर, ट्रैक्टर में फाइनेंस हो सकता है पर मशीन में कुछ नहीं होगा। मशीन में कुछ भी फाइनेंस मशीन में नहीं। ट्रैक्टर आपने 9,15,000 रुपये फाइनेंस में करवा के लिया था सर। अच्छा, फाइनेंस के सहित। तो किसान भाइयों रेट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, हमने इस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अब इसे आपको चलाकर दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट किस प्रकार है। इसी मशीन 3 चला रहे हैं हम। आप 3 मशीन चला रहे हो? मशीन है तीनों का रिजल्ट सब बर्नआउट। पहले 2 चल रही है ना। गेहूँ के अंदर कैसा है? सब अच्छा, गेहूँ के अंदर भी अच्छा, गेहूँ में और अच्छा है, गेहूँ में और अच्छा रिजल्ट है। और गीली फसल में थोड़ा दिक्कत आती है? गीली में अपनी नॉर्मल तरह से चलती है, वैसे चल जाती है, नॉर्मल चलती है वैसे चल सकती है। तो कितने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब आपको लाइव
इस मशीन का रिजल्ट दिखा। और एक चीज और है, जैसे हम इस घरों को बेड़ा करवाते हैं, उसमें बेड़े करवाने की जरूरत नहीं, कड़पियों को डायरेक्ट इसमें डालते चलो, चलती 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 भी आप निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तरपाल बिछाने जैसी समस्या से मुक्त हो गई, बिल्कुल एक दाना भी नहीं गिरता नीचे, बिल्कुल एक दाना भी नहीं गिरेगा, एक दाना भी नहीं गिरेगा नीचे। तो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, अब आपको इसे लाइव चलाकर दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट किस प्रकार है। जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं लाइव, ये सरसों कितना अधिक मात्रा के अंदर निकाल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए कि अपने जो भी मजदूर लेबर काम करने वाली है वो कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर सरसों दे रही है, और इसके खींचने की स्पीड देखिए कितनी शानदार है, लाजवाब किसान भाई। इसकी कैपेसिटी और जो आमतौर पर मशीनें आती है उनसे ज़्यादा रहने वाली है। देखिए कि आप कितने अधिक मात्रा के अंदर कैपेसिटी ले रहे हैं, और जैसा ही आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यूनिक सिस्टम के साथ आता है, यहाँ पर आपका भूसा स्टॉक हो जाएगा, इसके माध्यम से ऊपर अनाज रह जा रहा है वो भी आपका स्टॉक हो जाएगा। यानी अगर आप पूरे खेत का 100 बीघा 50 बीघा 40 बीघा जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा भूसा आप एक जगह इकट्ठा करना चाहते हो तो इकट्ठा भी कर सकते हो, आपकी सबसे ज़्यादा समय की बचत होगी। ना नीचे कोई तरपाल है, ना कुछ झंझट है, बहुत ही यूनिक सिस्टम के साथ। देखिए कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये कितनी अधिक मात्रा में सरसों अंदर ले लिए, और जैसे कि अपने ऑपरेटर ऊपर बैठे हैं, पावर टेक शार्ट पे ये मशीन चल रही है। किसान भाइयों, इस मशीन का रिजल्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको किस प्रकार लगा वो कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपके अपने चैनल एग्रीटेक मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।